हाय फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक लवर में। दोस्तों अभी हम रामचंद्रपुर पावर ग्रिड के पास आए हैं। यहाँ भूषण कुमार जी का घर है और देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी मुश्किल से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे में जो है घर के अंदर जो है लोग क्या हुआ था चाचा, कैसे देखे थे साहब को? आइए आइए इधर सामने आके बताइए, सामने आके बताइए, इधर इधर लीजिए, गेट खोल के रहे। हाँ अब बस सांप कैसे देखे आप सांप को? गेट खोले हाँ। सांप गिरा हाँ। गिरा तो फोंक गिरा ऊपर से हाँ। मतलब ये दरवाजा पे लटका हुआ। अच्छा तो लोग दोस्तों इनका कहना है इन्होंने जब सुबह दरवाजा खोला किसी काम से तो सांप जो है दरवाजे पर लटका हुआ था और सांप गिरा तो उसने फुफकार मारी तो लोग डर गए और उसके बाद इन्होंने हमें कॉल किया, हम आ चुके हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं सांप को, उसके बाद उसका रेस्क्यू करते हैं। अंदर तो देख सकते हैं साथियों यही इनका कमरा है और ऐसी जगहों में दोस्तों साफ होना आम बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल भी दिख रहा है हमें, हो सकता है सांप यहाँ रहता हो बराबर। अभी अभी उधर दिखाइए, उधर बहुत बड़ा सांप है, इधर दिखाइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों काफी बड़ा कोबरा सांप है यहाँ पर और जहरीला सांप होता है। तो देख सकते हैं ये दुधिया नाग है, इसे हम लोग दुधिया गेहूमन के नाम से भी जानते हैं और काफी जहरीला सांप होता है, इसे हम लोगों को काफी सावधानी से रेस्क्यू करना पड़ेगा। दोस्तों सांप भाग रहा है इसलिए अब हमें रेस्क्यू करना होगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा नाग था। चुप, अगर इसने अभी काट लिया होता और कितना एग्रेसिव है ये आप देख सकते हैं। अगर इसने अभी काट लिया होता तो दोस्तों काफी गंभीर समस्या हो जाती है। निकाल लिया जाती काफी बड़ा नाग सांप है और गुस्से में भी है। दोस्तों हमें लगता है इसने अभी शिकार नहीं किया है या शिकार की तलाश में ही शायद निकला होगा। बैंक दे दीजिए इसको, नजर पड़ गई लोगों की, लोग डर गए, भयभीत हो गए। दोस्तों हमेशा हम अपने वीडियो में बताते जाते हैं ये भारत देश का एक बहुत जहरीला और खतरनाक सांप है। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन ये एक जहरीला सांप है। लेकिन जहरीला सांप होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये आपको काटने के लिए आते हैं, ये जब भी आते हैं शिकार की तलाश में आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आसपास पानी भर गया है पूरा बारिश के कारण और सांपों को रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से ये घरों के अंदर का रुख कर देते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों स्नेक बाइट तभी होता है जब आप अचानक से सांप के संपर्क में आते हैं, वरना सांप आपको काटने के लिए नहीं आते, ये बस शिकार की तलाश में आते हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा कोबरा सांप है, देख सकते हैं कितना खतरनाक कोबरा सांप है। ये है दोस्तों असली नाग, असली दुधिया नाग या दुधिया गेहूमन कह सकते हैं। दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा होता है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है जो कि काफी जहरीला पाया माना जाता है। तो चलिए साथियों अब इसे हम ज्यादा परेशान नहीं करते हैं और इसका रेस्क्यू करते हैं। देख सकते हैं किस तरह से अभी भी यह कितने गुस्से में है दोस्तों। सावन का समय है, काफी पावन मौका है, ऐसे में लोग सांप मारने से भी परहेज करते हैं और सांप मारना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम सांप को मारने जाते हैं
तभी वो गुस्सा के हमें काटते हैं, अदरवाइज वो छिपना पसंद करते हैं। अगर सांप ने मनुष्यों को देख लेता है तो सांप छिप जाता है, उन्हें काटने नहीं आता है। छुट्टू पाले काफी गुस्सा है सांप है गोलू छ गोलू कुछ सीसी करता है फुफकार तो मारेगा ही, वही तो इसका डराने का टेक्निक है। जब भी फुफकारता है समझ लीजिए गुस्सा में है, आसपास में है, आप सुन लिए इसका आवाज, आप दूर हो जाइए। अगर फिर भी आप नजदीक जाइएगा तब तो काटेगा ही ना। इसीलिए कभी भी सांप दिखे सांप से दूरी बना लीजिए, उसको रास्ता दे दीजिए, वो अपना निकल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों ये कोबरा किस तरह से एग्रेसिव हो रहा है। तो चलिए अब हम इसे और तंग नहीं करते हैं, रेस्क्यू करते हैं इसको। अगर हमने काफी अच्छी तरह सुरक्षित तरीके से इस कोबरा सांप का रेस्क्यू कर लिया दोस्तों, और लोगों के भी जान बच गई। लोग अगर मारने जाते हो सकता है सांप बड़ा था, एग्रेसिव होकर बाइट कर सकता था, तो कभी भी किसी सांप को नहीं मारे। जब भी आपके आसपास सांप निकले हम जैसे स्नेक सेवर से संपर्क करें और सांपों को रेस्क्यू करा के इन्हें इनके नेचुरल जगह यानी जंगल में रिलीज कराएं, जिससे कि ये भी पर्यावरण में बचे रहे, क्योंकि सांपों का हमारे पर्यावरण में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सांप खत्म हो जाएंगे कल के दिन हमें सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी और फिर आगे काफी सारी मुश्किलें आ सकती है। तो साथी उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और हमारा रेस्क्यू वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं साथियों अगली बार फिर से और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद। लुधियाना पीछे स्टिकर।